Hi, I'm Izhar Alam. मैं गणेश स्टूडियो में वर्क करता हूँ. मैं बेसिकली जो वर्क करता हूँ वो करता हूँ मैं बैंड बाजों के ऊपर, जो बैंड बाजे हैं उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर, और एक और है करंट अफेयर के ऊपर, जो आजकल चल रहा है, कुछ भी जो उस टाइम घटना घट रही होती है, उस घटना को मैं अपने बैंड बाजों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ. उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, कुछ भी जो नया टॉपिक है जो मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ. पेंटिंग है ये, देखिए कि नाम है. अब ये क्या है कि लोग इतनी परेशान थे, लोग पैसों को जबान की तरह मतलब लपकने की कोशिश कर रहे थे, पैसे लगे हुए, पूरा एक इन्वायरमेंट जो है नोटबंदी के ऊपर था. ये देखिए, ये पद्मावती फिल्म के ऊपर, जब एक राजस्थान में बड़ा पंगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्या बवाल मचा था उसके ऊपर, तो उस पर 10 करोड़ का इनाम घोषित किया था. तो वो मैंने इसको किया था. अक्षय कुमार, ये आप देखिए, अक्षय कुमार है जिसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा फिल्में आती थी, और जिसकी हेरा फेरी हुई, रुस्तम हुई, बहुत ही यूनिक थी, वेलकम हुई, तो उसको लेकर मैंने क्या नाम पॉप आर्ट में प्रजेंट किया है. ये मेरे मोटिव हैं जो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ. या ये बैंड बाजे, बैंड बाजे एक इंसान का रूप और अलग अलग तरह के, वही इंसान जो बनता है. एक ही इंसान को देखिए आप, लड़के को वही लड़की बन के डांस करता है, वही अलग अलग किस्म के बैंड बजाता है, वही अप्लाई करता है. उसका ड्रेसअप देखिए, उसके रंगीन देखिए, रंग बदलते हुए हाथ देखिए, उसके उसके कलरफुल चेहरा देखिए. लोगों को तो खुशी है, खुशी देता है, लेकिन वो अंदर से क्या है वो खुद ही जानता है. एक बैंड वाले की जिंदगी को आप देखेंगे तो घर में तो उसके एक टीवी भी शायद ढंग से ना मिले, लेकिन आप जब उसे अपने शादी में देखते हैं, किसी प्रोग्राम में देखते हैं, तो उसकी रूप सज्जा जो होती है वो एक बहुत ही ज्यादा रॉयल टाइप की होती है. उसके बैंड उसका वो खरीद नहीं सकता, लेकिन बजाता बहुत है. अब आप आइए ये वाली क्वेश्चन, जो मेरी इस सीरीज की सबसे पहली पेंटिंगों में से एक है, जो 2015 में मैंने आईफेक्स में शो किया था. उसकी एक बची हुई मेरे बाजार के अपने कलेक्शन में मैंने रख रखी है. उनके लाइव देखिए, एक ही आदमी, दो ही आदमी पूरे शादी के माहौल को कैसे रंगीन को डांसर में कर देते हैं, खुद नहीं है लेकिन दूसरों को खुशी देने की कोशिश वो करते रहते हैं. जैसे ये हुई, ये एक जो मॉडर्निज्म है जिसमें आप ये देखिए कि क्या नाम, एक ही चेहरे में दो चेहरे हैं. और जब आप जैसे प्यार होता है ना, प्यार जो है, कौवा पानी पीने के लिए उसमें कंकरी डालता है, और जब पानी ऊपर आता पी लेता है, ठीक है, वो उसी तरह से इसको प्रेजेंट करने का तरीका है. जैसे कि ये देखिए, तो दोनों का प्यार मोहब्बत है, एक अपने प्यार के लिबास में वो अंदर हैं और ये प्यार कर रहे हैं, और इन दोनों का आप पैरों को देख सकते हैं, चेहरा आपको एक बिंदु मिलेगा. ऐसी ही ये मेरी क्या नाम बैंड वाली है, बैंड वाली सीरीज है. आप इसको देखिए, आप इसके चीज को देखिए, वो एक गाना गा रहा है, वही एक आप गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ शादी ब्याह में एक ही उसमें स्टेज पे इनका गाना गा रहा होता है और बजा रहा होता है. तो वो देखिए, वो माइक्रोफोन पे गाना गा रहा है और बजा रहा है, पीछे उसके दूसरा बैंड वाला जो उसकी मदद कर रहा है. ये इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सब्जेक्ट को मैं अपने पेंटिंग में बहुत ही डीपली दिखाने की कोशिश करता हूँ. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेरे काम करने के. ये देखिए आप, ये सब्जेक्ट हैं कि जिंदगी के उन चीज़ों को जो पॉप में आप देखते हैं तो वो होता है. अब आप इस पेंटिंग को देखिए, देखिए उसकी जिंदगी को किस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एक लकड़ी के मकान में बैठे हुए. ये देखिए किस तरह से वो आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं. पीछे से उनके क्या नाम घर वाले कह दीजिए, या उनका कोई और परिवार वाला उनके काम में हाथ बटा रहा, पीछे कोई खाना बना रही होगी लेडीज, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक सिंगारदान, एक फोटोग्राफ लगा रखा है फ्रेम में करके हमने, लेकिन वो बेसिकली वो इनकी घर के ही मेंबर हैं जो पीछे से कुछ काम करते दिखा रहे हैं. इनका आप हर चीज देखिए, इनके घर में किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इन्हें अभी जाना है, इस तरह से लिबास पहन के बैठे हुए हैं कि इनको अभी किसी पार्टी में जाना है और वहां जाके इनको इन्वॉल्व करना. इसी तरह से आप जब चलेंगे तो आपको अमिताभ बच्चन की क्या नाम पॉप आर्ट में मेरे मिलेगा, जिसको ग्रेफिटी भी आर्ट भी कह सकते हो आप. थोड़ा सा ये ग्रेफिटी आर्ट से भी ताल्लुक होते हैं, क्या नाम अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, ये जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा हैं. जैसे अमिताभ की कई अच्छी फिल्में उस दौरान आई थी जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करी थी, पिंक थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनी हुई फिल्म थी, तो उसको मैंने बड़ा अच्छा सा मुझे लगा कि मैं क्यों ना ग्रेफिटी आर्ट में अमिताभ बच्चन को. अभी जैसे कि तुम्हारे क्या नाम इसकी बाजीराव मस्तानी, क्या नाम अजय देवगन की फिल्म थी, उनको
जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस कर जाती है वो चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरह से ये भी उसी सीरीज की एक पेंटिंग है जो बैंड वाला, जो अपने आप को मस्त होकर दूसरों को डांस करने में मजबूर कर देते हैं, और इसी तरह से हम लोग अपना क्या नाम जीवन भी व्यतीत करते हैं। ये बैंड वालों की सीरीज है। इस पेंटिंग में भी आपको एक नयापन दिखाई देगा कि अलग अलग तरह के बैंड वाले होते हैं। कोई मजनू बैंड वाला है, कोई शालू बैंड वाला है, कोई हिंद बैंड वाला है, कोई गानम दीप बैंड वाला है, कोई घरोंदा बैंड वाला है, राजू बैंड वाला है, सिंध बैंड वाला है, जो बड़े सोहनलाल बैंड वाले हैं, ये बाजीराव बैंड वाला है। ये जो लिखी गई है हिंदी में, ये एक नॉवल है दक्षी, जिसकी स्क्रिप्ट के थोड़े थोड़े से वर्ड लेकर मैंने इनकी जिंदगी के ऊपर लिखा है कि इनकी एक जिंदगी क्या होती है, इसी तरह से ये इसको प्रेजेंट किया गया है। और मैं अक्सर जो हूँ ना, अपने काम को इसी तरह से करने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को खुशी मिले। रंग कलर की जो स्कीम है बहुत ही ज्यादा ब्राइट रखी जाए, अच्छी रखी जाए, लोगों को अट्रैक्ट करे ताकि वो लोग खुशी रहें। देखिए, गम बहुत बड़े हुए हैं, खुशी देने का काम भी एक होना चाहिए। तो मैं अपनी पेंटिंगों में खुशी देने का वादा करता हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग में हर किसी को खुशी देने की कोशिश करता हूँ जो अपने लगाएगा। अब कोई कहे कि सर इसमें एक तो क्या नाम आपने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया, तो ब्लैक कलर भी खुशी देता है। अगर ब्लैक के ऊपर मैं एक व्हाइट लाइन लगा दूं बीच में तो ऑफिशियली वो बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट लाइन अलग से दिखाई देगी, यानी खुशी की लाइन अलग से ही दिखाई देगी। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं अपना वर्क करता रहता हूँ। स्टूडियो नंबर 11 ललित कला एकेडमी गढ़ी, आप आइए और देखिए किस तरह का मेरा वर्क है।